हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टाइलिंग लाइफस्टाइल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे टीथ व्हाइटनिंग के बारे में, किस तरीके से आप अपने दांतों को व्हाइटन कर सकते हैं, ब्राइटन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूले, कॉमेंट करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हेल्थ वेट की तरफ से एक्टिवेटेड चारकोल फॉर नेचुरल टीथ व्हाइटनिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि हेल्थ विट की तरफ से है। सबसे पहले इसकी क्वांटिटी और प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो क्वांटिटी है वो है 20 ग्राम्स और इसका जो प्राइस है वो है 300 रुपीज। ये आपको अमेजोन पे रीजनेबल रेट पे मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं मैंने ये कितने का लिया था, तो मैंने ये फ्री का लिया था क्योंकि मुझे ये इस मंथ के ग्लैम ईगो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिला था। तो मैंने आपके साथ वो वीडियो शेयर भी किया, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा उस वीडियो को। मैं चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो ये एक्टिवेटेड चारकोल है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है जो चारकोल होता है वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जब हम चारकोल को अपनी बॉडी पे लगाते हैं, अपनी स्किन पे लगाते हैं, अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए, तो हमारी स्किन पे जितनी भी डर्ट होती है, पॉल्यूशन के जो दाग होते हैं, जितनी भी पॉल्यूशन के दाग हैं या जितना भी डर्ट है, ग्राइम है, वो सारा का सारा मैग्नेट की तरह वो खींच लेता है। और जब हम अपना फेस वॉश करते हैं तो सब कुछ क्लीन हो चुका होता है, हमारे फेस से सारा डर्ट हट चुका होता है। उसी तरीके से सेम ये हमारे दांतों पर भी काम करता है। हमारे दांतों पर जो प्लाक की परत जम जाती है या बैड ब्रेथ की काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, ब्रश करने के बाद भी काफी लोगों के मुंह से स्मेल आती है, ये चीज मेरे साथ भी हुई है, मेरी एक फ्रेंड के साथ। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी अगर ये वीडियो वो देख रही है तो इसीलिए आपको ये चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर यूज करना चाहिए, जिससे कि आपको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपके दांतों में अगर सेंसिटिविटी है, अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं तो धीरे धीरे करके आपके दांतों की सेंसिटिविटी भी खत्म हो जाएगी, आपके दांतों में गर्म ठंडा लगना बंद हो जाएगा और आपके दांत चमकने लगेंगे, वाइटन हो जाएंगे, ब्राइटन हो जाएंगे। और हमारे दांतों पर जो एक पीली परत जम जाती है, हम करते तो वैसे दो बार ब्रश है लेकिन फिर भी हमारे दांतों पर वो पीली परत जमी रहती है, तो वो पीली परत को धीरे धीरे करके खत्म करने का भी काम ये प्रोडक्ट करता है जो कि है एक्टिवेटेड चारकोल। तो सबसे पहले इसकी जो है बात कर लेते हैं ये काम किस तरीके से करता है। और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें है बाबुल मासी, एक्टिवेटेड चारकोल और पुदीना। इसमें ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो मैं इसको कहते हैं एक वीक से यूज कर रही हूँ और मुझे इसके काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो मैंने सोचा आपके साथ इसका रिव्यू शेयर किया जाए। और ये जो एक बॉटल है जो कि 20 ग्राम की है, अगर आप एक अगर आप इसको यूज करते हैं तो अराउंड आपके 2 मंथ्स तक ये बॉटल चल जाएगी। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ किस तरीके का ये है। ये एक ब्लैक पाउडर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे हाथ पे गिर गया। ये एक ब्लैक पाउडर है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ब्रश लेना है और ब्रश को जस्ट वेट कर लेना है और उसके बाद उसमें टिप कर लेना है। ये देखिए मेरे ब्रश पे ये चिपक चुका है। और आपको अब इसको मैं आपको टीथ व्हाइटन करके दिखा रही हूँ, मैं आपको ब्रश करके दिखा रही हूँ। थोड़ा फनी हो सकता है बट चलिए आपके लिए इतना तो करना बनता है। तो चलिए ब्रश करना शुरू करते हैं। आपको इसको अपने सारे दांत सब जगह लगाना है, अंदर बाहर हर जगह आपको अपने दांतों पर इसको अच्छे से ब्रश करना है 1 से 2 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं लेकिन आपको 1 से 2 मिनट के लिए जरूर करना है। तो चलिए ब्रश करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कर लिया है ब्रश और मैंने कुल्ला भी कर लिया है। तो जब मैंने ब्रश कर लिया था तो उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे दांत बिल्कुल साफ हो चुके हैं। और मेरे दांतों पे, वैसे तो मेरे दांतों पे नहीं है लेकिन मैंने काफी लोग देखे हैं जिनके दांतों में नीचे की साइड पे यहाँ पे येलो येलो कुछ प्लाक जो होता है वो काफी जमा रहता है और वो कितना भी ब्रश कर लें
वो नहीं हटता है, उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ता है और बिल्कुल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है जो कि काफी ज्यादा महंगा होता है। तो अगर आप इस ट्रीटमेंट से बचना चाहते हैं और पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको रेगुलरली शुरू कर दीजिए यूज करना। और वैसे तो इसका एक ऑल्टरनेटिव ये है कि आप नीम से दातुन कीजिए जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट है, उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बट अगर आपके पास ये चीज अवेलेबल नहीं है तो आप ये यूज कर सकते हैं। और मैंने इसको ब्रश से किया है, आप चाहे तो इसको हाथ से भी कर सकते हैं। तो ये जो है बिल्कुल बहुत थोड़ा लगता है, आप इसको मैं क्या करती हूँ, मैं एक टाइम पेस्ट यूज करती हूँ, टूथपेस्ट यूज करती हूँ, और एक रात को सोने से पहले मैं ये एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर यूज करती हूँ जिससे कि मेरे दांतों की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी ठीक हो जाती है। वैसे तो दांतों में मेरे इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मुझे बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है, ना ही मुझे सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई सी भी प्रॉब्लम है तो उससे आप इसको ठीक कर सकते हैं और अपने दांतों को चमचमाता हुआ बना सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यस देन गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, शेयर करना ना भूलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने ये प्रोडक्ट यूज किया हुआ है और अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रोडक्ट कैसा निकला और आपको इसके रिजल्ट कैसे मिले। थैंक यू सो मच, और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक यू।